ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मिलते हैं आज इस VLSI का लेक्चर नंबर 6 में, और हम लोग आज बात करेंगे जो कल टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे, उसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे हम लोग वेफर्स के बारे में बात कर रहे थे, वेफर्स प्रिपरेशन का डिफरेंट जो टॉपिक्स था उसके बारे में बात कर रहे थे। तो कल बात किए थे सिलिकन शेपिंग को लेकर के, इनको ट्रिमिंग, सरफेस ग्राइंडिंग, स्लाइसिंग एंड एचिंग, राइट, ये सब के बारे में बात किए थे। इसी टॉपिक में कुछ पॉइंट्स और है, जैसे वेफर पॉलिशिंग है, उसका प्रॉपर पॉलिशिंग के लिए जो अरेंजमेंट है वो है, और वेफर क्लीनिंग है, उसके बाद वेट क्लीनिंग है, तो मतलब ओवरऑल क्लीनिंग को लेकर के। तो इसी चीज को आज का लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ाते हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 के बारे में जस्ट बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि वेफर का जो पॉलिशिंग होता है वो कैसे होता है, राइट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, वेफर पॉलिशिंग के बारे में। वेफर पॉलिशिंग, ठीक है, तो ये सारे मतलब प्रोसेस के बाद, जैसे वेफर मतलब सिलिकन शेपिंग हो गया, इनगॉट का ट्रिमिंग हो गया, सरफेस ग्राइंडिंग हो गया, स्लाइसिंग हो गया, एचिंग हो गया, उसके बाद का जो स्टेप आता है वो आता है वेफर पॉलिशिंग का, है ना। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हम लोग वेफर को पॉलिशिंग क्यों करते हैं। तो जब हम लोग उसको कट करते हैं, वेफर का स्लाइसिंग करते हैं, तो उसका जो सरफेस होता है बहुत ज़्यादा रफ होता है, तो उस रफ को स्मूथ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको पॉलिशिंग करते हैं, ग्राइंड करते हैं, सो दैट कि जो अनवांटेड मटेरियल है और कहीं पे जो ओवरड्यू मटेरियल है वो मटेरियल क्या हो, एक इक्विलिब्रियम में आ जाए, राइट। तो उसके बाद हम लोग उसको मतलब आगे यूज करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग वेफर का पॉलिशिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है वेफर पॉलिशिंग में, तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आपका वेफर पॉलिशिंग में एक आपका होल्डर होता है इस तरीके का, जिसमें यहां पे एक ऐसे होल्डर होता है, है ना, इस तरीके से, और इसमें आपका एक कनेक्टेड होता है, ऐसे करके एक कनेक्टेड होता है उसका वेफर का होल्डर, ठीक है ना। यहाँ पे एक वेफर होल्डर ऐसे कनेक्टेड होता है इस तरीके से, और इसमें हमारा मतलब वेफर को प्लेस करने का इस तरीके से ऐसे एक प्लेस होता है, यहाँ पे आप वेफर को रख सकते हैं, ठीक है। और ये एक सरफेस होता है जिसके ऊपर ये आपका मतलब मूव करता है इस तरीके से, एक सरफेस होता है जिसके ऊपर ये मूव करता है, फाइन। और ये हमारा जो है कुछ इस तरीके से, इसको हम लोग ऐसे करके देखते हैं, ऐसा ये हमारा बना हुआ है कुछ इस तरीके से, जो ये वेफर पैड है, फाइन। और इसके पीछे में एक यूनिट होता है, ऐसे छोटा सा एक यूनिट होता है, जहाँ से कि मतलब इस तरीके से आता है स्लरी, किस पे, इस वेफर वेफर पैड पे, ऐसे करके एस्लरी आता है, है ना। एस्लरी क्या होता है, इस पैड पे आता है, और ये पैड जो है हमारा मतलब अगर ये हमारा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करता है, तो ये जो चीज होगा, एक ये जो होगा ये क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है ना, एक क्लॉक डायरेक्शन मूव करेगा तो एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करेगा, और ए यहाँ से आता है स्लरी, तो इसके ऊपर में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लोग एक इस पे पहले तो एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिससे कि ये प्रॉपर कांटेक्ट में रहेगा, मतलब ए ऊपर से प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे कि ए दोनों मतलब ए आपका जो पैड है, पहले इसका नाम लिखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, ये होता है हमारा पॉलिशिंग पैड, ये है हमारा पॉलिशिंग पैड। उसके बाद ये जो प्लेस हो गया, ए हो गया, इसको बोलते हैं वेफर,
वेफर हो गया, और ये जो हुआ यहाँ पे इसको बोलते हैं वेफर होल्डर। वेफर होल्डर और ये जो हो गया सॉरी हमारा ये हो गया, इस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस यूनिट को बोलते हैं स्लरी। स्लरी हो गया है ना, ये स्लरी हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा मेरा सेटअप होता है ये मतलब वेफर पॉलिशिंग करने के लिए, मतलब इस ऊपर से प्रेशर देते हैं सो दैट कि जो हमारा पॉलिशिंग पैड है और वेफर होल्डर है वो दोनों प्रॉपर कांटेक्ट में आए, और इसी दोनों कांटेक्ट के बीच में हम वेफर को प्लेस करते हैं और इससे हम स्लरी को यहाँ से पास करते हैं। जब ये स्लरी वेफर पैड पे आता है, पॉलिशिंग पैड पे आता है, तो जो हमारा वेफर होल्डर है वो उसके कॉन्टेक्ट में आता है और उसके बीच में हमारा वेफर रहता है, वो मूव करता है एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, और इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा जो वेफर होता है वो प्रॉपर ग्राइंड होता है। फाइन, तो कहता क्या है इसके बारे में, तो थोड़ा सा देखिए कि पॉलिशिंग इज द फाइनल स्टेप, इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस। The semantic of polishing is shown here, यहाँ पे अभी हम लोग दिखाए हैं। Fine, तो हमारा इसका main purpose क्या है भाई, तो इसका main purpose है polishing का main purpose है, यहाँ पे लिखिएगा कि main purpose of the polishing, main purpose of the polishing is to maintain the smooth surface है ना, कि जो हमारे सरफेस हो वो स्मूथ होना चाहिए, राइट। फिर क्या कहता है, हियर वेफर आर माउंटेड ऑन द वेफर होल्डर, प्रेशर अगेंस्ट द पैड। देखिए ऊपर से हम लोग क्या करते हैं कि वेफर होल्डर में फिटेड है और उसके इसके अगेंस्ट में एक प्रेशर को अप्लाई करते हैं, है ना, प्रेशर अगेंस्ट द पैड अंडर हाई प्रेशर एंड रोटेटेड टू द पैड। जे देखिए पैड भी मूव करता है, अ मिक्सचर ऑफ पॉलिशिंग स्लरी एंड वेफर ड्रॉप्ड ऑन टू द पैड डज the polishing which is both chemical and mechanical process। मतलब क्या है कि ये जो वेफर पॉलिशिंग है इसको हम यहां पे लिख सकते हैं क्या, कि यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से, सेकंड पॉइंट ऐसे करके लिख दीजिए कि वेफर पॉलिशिंग, वेफर पॉलिशिंग इज द CHEMICAL chemical and mechanical process है ना। ये हमारा क्या है, केमिकल और मैकेनिकल। केमिकल क्यों, क्योंकि ये जो स्लरी दे रहे हैं ये हमारा एक केमिकल है जिसके थ्रू ये उसका सरफेस को ग्राइंड कर रहा है, और मैकेनिकल क्यों, क्योंकि ये जो सेटअप है पूरा मैकेनिकल है और इसमें हम लोग ये क्या करते हैं प्रेशर को अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से ये क्या होता है हमारा मतलब ये मतलब वेफर को स्मूथ करता है। फाइन, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेफर पॉलिशिंग के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा वेफर क्लीनिंग। तो अब हम लोग देखें कि ये जो वेफर क्लीनिंग है ये कैसे है, तो नेक्स्ट है वेफर क्लीनिंग। अब इस वेफर का क्लीनिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो इसमें बोला कि वेफर क्लीनिंग जो हम लोग करते हैं वो इस तरीके से यहां पे करते हैं। सबसे पहले कि सब यहां पे लिखिए कि इन द, इसमें लिखिए इन द प्रोसेस ऑफ सिलिकन, इन द प्रोसेस ऑफ सिलिकन वेफर इट इज़
यूजुअली नेसेसरी नेसेसरी टू मेंटेन प्यूरिटी एंड परफेक्शन प्यूरिटी एंड परफेक्शन। तो इसलिए हम लोग वेफर का क्लीनिंग करते हैं कि सो दैट कि वेफर पे जो भी मतलब फैब्रिकेट करने से पहले जो हम लोग को उसका प्यूरिटी को लेकर के और उसका जो परफेक्शन होना चाहिए, ये दोनों चीज़ क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। परफेक्शन कहने का मतलब उसका जो डायमेंशन होता है उस चीज़ को, वो प्रॉपर डायमेंशन का होना चाहिए। उसका भी एक रेंज है, मतलब 6 से 24 के बीच में कुछ उसका रेंज होता है कि इतना mm से इतना mm के बीच में होना चाहिए, है ना, तक चलेगा। और उसका जो प्योरिटी है उस चीज़ को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। फाइन, तो इसमें दूसरा क्या कहता है वेफर क्लीनिंग के बाद में, नेक्स्ट जो है वो है हमारा इसके बाद केमिकल क्लीनिंग, मतलब केमिकल क्लीनिंग। सेकेंड है हम मतलब वेफर क्लीनिंग को केमिकल से भी क्लीन करते हैं। तो केमिकल क्लीनिंग में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इन दिस इन दिस ऑर्गेनिक फिल्म heavy metals from the silicon wafer commonly used mixers are क्या है NH4OH nitric hydroxide and H2O2 है ना कॉमा HCl हाइड्रोफ्लोरिक है ना हाइड्रोजन क्लोराइड एंड H2O2 एंड H2SO4 H2O2 इसका यूज करते हैं। मतलब ये सारे केमिकल का यूज करके हम लोग एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद इसको ये हुआ हाइड्रोजन क्लोराइड, और ये जो है सल्फ्यूरिक, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड।
मतलब वेफर का जो क्लीनिंग होता है, हम लोग इस सारे केमिकल्स को यूज करके, ये जितना भी केमिकल्स हुआ है इस केमिकल्स को यूज करके, और हम लोग मतलब इस सारे को नहीं, मतलब या तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से क्लीन करते हैं, या तो हाइड्रोजन क्लोराइड से क्लीन करते हैं, नहीं तो सल्फ्यूरिक एसिड से क्लीन करते हैं। तो इस सब में से कोई होना चाहिए, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जस्ट उसको क्लीन करने का कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारा एक जो मतलब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, तो नेक्स्ट के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे, और नेक्स्ट पेज में आने के बाद एक जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं जटरिंग प्रोसेस, GETTERING, जटरिंग प्रोसेस, PROCESS। ये हमारा एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग वेफर को मतलब क्लीन ही करते हैं, मतलब क्लीन का ही एक पार्ट है, और इसके थ्रू जो मतलब उस पर जो अनवांटेड मटेरियल होता है, और उस पर जो उसका सरफेस पे अगर कोई डस्ट पार्टिकल है ना, जो कि नेग्लिजिबल है, और उसको हमको हटाना है, क्योंकि अगर हम आईसी को फैब्रिकेट कर रहे हैं और फैब्रिकेशन का ही प्लेस पे अगर वो डस्ट पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, उस पूरे फंक्शन मतलब उसका उस आईसी का जो फंक्शनैलिटी है उसको वो अफेक्ट करता है। तो वहां पे कोई डस्ट पार्टिकल ना हो उसको हम लोग इंश्योर करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, मतलब उसको उसको रिमूव करते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि वो जो प्रोसेस है वो क्या है और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखते हैं GETTERING, जिटरिंग इज अ टर्म, TERM टर्म, विच WHICH, विच इज डिफाइंड DEFINED, which is defined as a process, PROCESS, a process that removes, REMOVES, that removes harmful, HARMFUL, harmful impurities, IMPURITIES, harmful impurities or defects from the region, from the region, REGION, region in wafer where device is supposed to be fabricated, FABRICATED, where device is supposed to be fabricated। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं कि one of the technique, TECHNIQUE, one of the technique is pre-jettering, PREGETTERING, one of the technique is pre-jettering, that is to provide a wafer with a
विथ अ सिंक, सिंक दैट कैन एब्सॉर्ब ए बी एस ओ आर बी दैट कैन एब्सॉर्ब इम्प्यूरिटीज IMPURITIES impurities as they are introduced INTRODUCED as they are introduced during IC fabrication. तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या समझे इसका मतलब, बोले कि जेटरिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हार्मफुल चीज है जो उस वेफर का सरफेस पे है, हार्मफुल मतलब इम्प्योरिटीज है या सरफेस पे कोई डिफेक्ट्स हैं, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं वहां से रिमूव करते हैं, ठीक है ना। और क्या करते हैं कि जेटरिंग प्रोसेस से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसमें मतलब उस वेफर को हम लोग एक वेफर को मतलब एक लिक्विड में उसको सिंक करते हैं सो दैट कि मतलब वो जो उसमें जो मतलब उस वेफर पे जो भी इंप्यूरिटीज है उस इंप्यूरिटीज को वो जो केमिकल है वो जो सॉल्यूशन है उसको वो क्या करता है उसको वहां से हटाता है, क्लीन करता है, सो दैट कि जो आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस हो वो मतलब ज्यादा इफेक्टिव हो जाए और उस पर हम लोग कंपोनेंट को प्रॉपरली क्या कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं, इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज का जो हमारा क्लासेस था वो यही दो टॉपिक के बारे में जस्ट हम लोग बात किए। किसके बारे में, तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए वेफर पॉलिशिंग के बारे में, उसके बाद हम लोग बात किए वेफर का पॉलिशिंग के बाद हम लोग बात किए हैं वेफर क्लीनिंग का, वेफर को भी दो तरीके से क्लीनिंग किए यहाँ पे है ना, क्लीन किए हैं फिर उसको केमिकल के, तो केमिकल के हेल्प मदद से उसको हम लोग वेफर को क्लीन किए। इससे आगे चलें तो फिर हम लोग जेटिंग प्रोसेस को देखें, तो ये सब जो सारा था वो हमारा क्लीनिंग का पार्ट था। अब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे कुछ और भी दूसरे चीज के बारे में, ये हमारा यहाँ तक क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि आपको इस सारे प्रोसेस को कंक्लूड करने के लिए हम आपको एक वीडियोज यहाँ पे दिखाते हैं और उस वीडियो के थ्रू हम आपको इस पूरे प्रोसेस को जस्ट समझाने का कोर्स।
ओके विद दिस वी फिनिश टुडे एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू द टॉपिक दैट यू हैव बीन टॉट टुडे एंड रिलेटेड टू द वीडियो यू कुड पोस्ट योर डॉट एंड क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स आई वुड लव टू आंसर देम थैंक यू सो मच फॉर स्टे कनेक्टेड थैंक यू सो मच